हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला। कोविड नाम तो सुना ही होगा, डर लग रहा है? नहीं, पर डरो, डरना ज़रूरी है। और कोविड से डर लगे ना लगे, उसकी टेस्ट से ज़रूर डरना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस माइट हैव एक्सपीरियंस दैट डिसगस्टिंग टेस्ट, है ना। अब हमने धीरे धीरे सुनना शुरू किया है कोविड की सेकेंड वेव आ रही है, आ गई है। यूके में सबसे पहले आई, यूएस में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख पेशेंट पर डे। अब दिल्ली की बातें सुनने पड़ रही है। धीरे धीरे कोविड बीइंग अ फ्लू वायरस नेचुरली विंटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा। अब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाने का मतलब यह है कि विंटर गिव्स इट अ वेरी फेवरेबल एनवायरनमेंट, उसके वजह से वो हमारी इम्यूनिटी पर और ज़्यादा हावी रहेगा। पर हमें क्या, हमको तो मजाक लग रहा है, हम तो दिवाली की शॉपिंग करेंगे, हम घूमेंगे, हम बोर हो चुके हैं। ठीक है, बट ज़िंदगी से बोर हो चुके हो तो ही आप डेंजरस हरकतों में आइए, वरना प्लीज़ जस्ट कन्फाइन टू दी कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब कोविड के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो है आयुष डिपार्टमेंट की। हमारे काढ़े, होम्योपैथिक अलग अलग दवाइयाँ हमारे सारे मिनिस्टर और आयुष मिनिस्ट्री ने एम्ब्रेस की, पूरी दुनिया ने एम्ब्रेस की। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को जब कोविड हुआ तो हमारे बेंगलोर के होम्योपैथ ने उनका ट्रीटमेंट किया और 5 दिन में उनको कोविड निगेटिव किया। सबने सुना है ना। लेकिन उसके साथ साथ कोविड प्रिवेंटिव पर भी काफ़ी चर्चा हुई। किसी ने कहा आर्सेनिकम लो, किसी ने बोला कैम्फोरा लो, किसी ने बोला इन्फ्लुएंजिनम लो। सी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें रखी। मैं आपको एक्सपीरियंस, कोविड के एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ, क्योंकि जब ये सारी बातें आई तब कोविड आ रहा था, किसी को मालूम नहीं था कि कौन सा प्रिवेंटिव क्या एक्शन करने वाला है। लेकिन अब एक कोविड वेव जा चुकी है, अब हमें आइडिया है कि किस कोविड प्रिवेंटिव ने क्या किया। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता दूँ, मैंने कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को कोविड प्रिवेंटिव मेडिसिन दी, आर्सेनिकम एल्बम। बाय दिस टाइम मैंने उन सबका फीडबैक लिया कि उनको कोविड हुआ या नहीं, उनके पूरे परिवार को मतलब दी। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीरो पीपल और पर्संस वर अफेक्टेड विद कोविड, दोज हु हैव टेकन आर्सेनिकम एज पर माई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में कई लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में आर्सेनिकम के साथ में प्रिवेंटिव का ड्राइव किया। मुझे उनके फिगरल फीडबैक का आइडिया नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ देम वर प्रिवेंटेड। इवन केरला के एक क्वारंटाइन सेंटर में ऐसा पाया गया कि 3 से 4 हज़ार लोगों को जब आर्सेनिकम एल्बम दी गई तो उसमें से सिर्फ 8 या 15 लोग अफेक्ट हुए, और वो भी तब अफेक्ट हुए जो कोविड का कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाए। क्वारंटाइन मतलब पोटेंशियली एक्सपोज टू कोविड। अब कोविड का प्रॉब्लम क्या है, कोविड एक आम वायरस है, ठीक है, जिससे सर्दी खांसी होती है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, इतना तेज़ है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादातर उसके सामने गिव अप कर देती है। और जिस तरह से हम हमारी प्रीवियस जनरेशन के याददाश्त अगर हम देखें तो ऐसी महामारी उन्होंने कभी नहीं देखी जिसने पूरी दुनिया बंद कर दी हो। मतलब कुछ तो सीरियस है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो अब भी समझ जाइए। तीसरी बात, अब वैक्सीन के बड़े चर्चे चल रहे हैं। वैक्सीन के ऐसे चर्चे चल रहे हैं, वैक्सीन आएगी, हम लेंगे और फिर हम पहले की तरह जिएंगे। नो, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहली बात तो वैक्सीन के खुद के अपने प्रॉब्लम्स हैं, वैक्सीन के खुद के अपने हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रैक्टिकली इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में इंडिया की जो पॉपुलेशन है और उसके लिए जो वॉल्यूम लगने वाला है वो प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच, मॉनिटरीली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो। और वैक्सीन अभी तक फुल प्रूफ कहाँ साबित हुई है। हमारे हरियाणा के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वापस कोविड से अफेक्ट हो गए इवन आफ्टर टेकिंग वैक्सीन। सो फिर कौन बचाएगा हमें? आप खुद बचाएंगे अपने आप को। आप सिर्फ कोविड की सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करिए, वो मैं रिपीट टेप रिकॉर्डर नहीं प्ले करूँगी आपके सामने, वो सारी आपको मालूम है। आप प्लीज़ अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करिए। दूसरी बात, प्रिवेंटिव के तौर पर आर्सेनिकम एल्बम आप ले सकते हैं इन 30 पोटेंसी। अब चौथी बात, इस प्रिवेंटिव को लेने के कुछ तरीके हैं, वो आप बहुत सीरियसली फॉलो करिए। अगर आपकी उम्र 10 साल से ऊपर है तो आपने एक एक बूंद दिन में 3 बार,
10 साल से नीचे है तो एक एक बूंद दिन में दो बार, दो दिन, बच्चा रहेगा तो दो दिन लेगा और बड़ा रहेगा तो तीन दिन लेगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको साथी में कोई फीवर चल रहा है, सर्दी चल रही है, बुखार चल रहा है, लूज मोशन चल रही है, तो आपने ये प्रिवेंटिव नहीं लेनी है। अगर आप ऑलरेडी कोई होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो आपने ये दवा नहीं लेनी है। अगर आप कोई एलोपैथी दवा ले रहे हैं तो आप ये दवा ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप हाइपरटेंसिव, डायबिटिक या अस्थमा के मरीज हैं तो भी आप ये दवा ले सकते हैं विथ अदर एलोपैथिक मेडिसिन। लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, तो आप ये दवा ना लें। क्या है ना कि लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा चाकू है जिसकी धार इस खास तरीके से बनी है कि जो सिर्फ सब्जी काटेगी, हाथ नहीं काटेगी? ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर दवा है, उसका इफेक्ट है, तो उसका बैड इफेक्ट भी होगा। और ये बैड इफेक्ट तब होगा जब आप उसे गलत तरीके से, गलत डोजेज में बार बार लेंगे। तो इसीलिए स्ट्रिक्टली, इवन इफ मैं आपको नाम बता रही हूँ, लेकिन आप ये दवा अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लें, उसी के दिशा निर्देश में लें, तो ही आप बचेंगे। वैक्सीन एक जगह पे है, लेकिन आर्सेनिकम तो आज आपके हाथ में है। अपने आप को सेफ रखना तो आपके हाथ में है ना। तो कम से कम आपके हाथ में जो भी कुछ है वो आप करिए, अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए, अपने देश के लिए करिए। मैंने तो अपना साइड कर लिया, मैंने अपने आप को भी कोविड से सेफ रखा और लोगों को सेफ रहने का तरीका बता रही हूँ। आप भी ये वीडियो शेयर करके सबको बता सकते हैं कि वो किस तरह से कोविड से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्ले योर रोल फॉर द सोसाइटी। थैंक यू।